हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर सलमान चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कुछ भी अगर गिरा तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली हूँ। आपको पता है ये किस लिए ज़्यादा जिद कर रहा है? यस, मैं आप सबको बता देती हूँ। ये नया टॉय हम सब लेके आए थे वो शादी से। वो शादी का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था उस शादी का, तो डेकोरेशन देखना है अगर तो जल्दी से मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये एक मिनी व टॉय ट्रेन का सेट है जो 3 साल के बड़े बच्चे इजीली खेल सकते हैं इसको। इसके जो सारे पार्ट्स है वो अलग अलग करके इसमें पैक किया गया है एंड बच्चों को इसे निकाल के उसको अरेंज करके फिर उसके बाद ऊपर नॉर्मल जैसे टॉय ट्रेन से खेलते हैं वैसे खेल सकते हैं। आपको क्या मैं बताऊँ डिस्क्राइब करके? आप सबको पता ही होगा, आप सबको बच्चा भी होगा तो उनके लिए आप टॉय ट्रेन का सेट खरीदते ही होगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मिनी टॉय ट्रेन के बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है एंड इसका नाम एंड प्राइस एंड ऑल सारे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मिनी टॉय ट्रेन का नाम वर्ल्ड एक्सप्रेस है जिसमें आपको 6 पटरियाँ, 1 ट्री, 1 इंजन एंड 1 स्टेज मिलती है जो कि हम इजीली सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेट कर लेते हैं और देख लेते हैं ये चलता कैसे है। एंड आप देख ही पा रहे हो कि मुझसे ज़्यादा तो बाबू का ही इंटरेस्ट एंड मोटिव लग रहा है मुझे इन सारे चीज़ों को असेंबल करने का, बट वो छोटा सा बच्चा है तो चलिए उसे हेल्प कर लेते हैं असेंबल करने में। फ्रेंड्स, ये मिनी ट्रेन सेट खरीदने के लिए कितना ज़्यादा जिद कर रहा था। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि अभी नहीं खरीदते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे का मन है, नहीं खरीदो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम लोग शादी अटेंड करने से पहले मैं नहीं खरीदना चाहती थी। खरीद तो मैं हर चीज़ उसको देती हूँ जो उसे ज़रूरत की चीज़ लगती है मुझे देने की, कि हाँ उसे ज़रूरत है या वो बच्चा है खेल सकता है तो मैं ज़रूर देती हूँ। बट वो तो शादी में एंट्री लेने के पहले से ही ज़िद करने लग गया था। वो गेट के पास ये छोटे वेंडर टाइप के दुकान होते हैं ना, उनमें सजी हुई थी। मैं उसको बोल रही थी चलो शादी एक बार रिसेप्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद घर जब जाएंगे तब खरीद देंगे। लेकिन नहीं, उसको लेना था तो लेना ही था भाई, खरीद देना ही पड़ा। तो चलिए, अब मैंने इसको सारा जो ट्रैक्स है उसको असेंबल कर लिया है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए अब हम इसे डेकोरेट भी कर लेते हैं इसमें जो दिया हुआ था ट्री से। तो चलिए अब हम लोग टॉय ट्रेन से थोड़ा खेल लेते हैं। अब चलो, अब इंजन को ऐसे करके पीछे लगाओ, इधर से लगाओ जल्दी से। ठीक से लगाओ, रेडी? हाँ। छोड़ो, ट्री को ठीक करो। 1, 2, 3 स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिया था, वो क्लिप्स मैंने ऐड नहीं किया है। तो बर्तन धोने के बाद मैं सारे बर्तनों को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में घर के अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो जाते हैं एक साथ ले जाना ठीक नहीं हो पाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके बर्तन सारे मैं घर में रख लूँगी एंड जो पानी वानी है वो भी भर के रख लूँगी। सारे पानी एंड वॉशरूम बाथरूम ये सब हम लोग का बाहर है जैसे कि आप सबको पता है। जिसको नहीं पता है प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लो और सब पता कर लो। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको किचन में ले जाती हूँ एंड आरी फरियाल बनाऊँगी आज मेरे लंच के लिए। फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिए, आज मेरा कोई उपास नहीं है। मैं ऐसे ही, मुझे खाने की बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी तो मैंने इनको गला लिया है
एंड मुझे लग रहा है कि ये अच्छे खासे गल चुके हैं। 20-25 मिनट हो चुके हैं गलने के लिए, रखे थे मैंने एंड मैंने रेडी भी कर लिया है मिर्ची एंड टोमेटोस। आप सोच रहे हो कि मिर्ची बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया है, बिल्कुल भी नहीं। ये लाइट ग्रीन कलर की मिर्चियाँ हैं, वो ज़्यादा तीखी होती नहीं है, जो डीप ग्रीन की होती है वो ज़्यादा तीखी होती है, तो ये ज़्यादा तीखी है नहीं। एंड ये मैंने एक छोटा टमाटर ले लिया एंड मैंने कुछ आलू भी उबाल लिए हैं छोटे साइज़ वाले, जो कि फरियाल में आलू जब हम लोग देते हैं तो उसका टेस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है एंड हमारा स्टोमैक भी फील हो जाता है अच्छा खासा। एंड मैंने सारे मसाले भी ले लिए हैं मैंने, ताकि मैं जब बनाना स्टार्ट करूँ तब मुझे कोई कमी ना हो एंड मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं फरियाल हर मंडे थर्सडे एंड सैटरडे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। ये मेरा स्टोमैक को बहुत देर के लिए फिल करके रखता है, ताकि मुझे ज़्यादा देर भूख ना लगे। तो चलिए सबसे पहले ये सारे चीज़ों को मैं साइड में रख लेती हूँ एंड मेरा जो आलू है वो मैं छील लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो लाइक नहीं करोगे तो कैसे मोटिवेशन मिलेगी कि आपको हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिले। एंड पास के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, नहीं तो नोटिफिकेशन मिलने वाली है नहीं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आलू सारे छील लिए हैं एंड मैंने कढ़ाई भी बैठा दी है गर्म करने के लिए। तो जब तक गर्म हो रही है तो प्लीज़ मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आते हो मेरे वीडियोज़ देखते हो तो सब्सक्राइब करके जाओ यार, ये तो बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। तो चलिए, यहाँ पे मेरा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, आलू भी मैंने छील लिए, टोमेटोज एंड चिली सारे रेडी हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं पकाना। यहाँ मेरा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल डालूँगी। मैं फरियाल बनाने के लिए रिफाइन ऑयल का यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टेस्ट थोड़ा अजीब हो जाता है। हमारा तेल जब गर्म हो जाए उसमें मैं 20 से 25 मूंगफलियाँ डाल दूंगी। फरियाल में मूंगफली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप उसे पीस के भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बिना पीसे ही मूंगफली डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे मूंगफली का क्रंचीनेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं हर एक बाइट मुँह में लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मेरा मूँगफलियाँ भी अच्छे से भुन चुकी है, डीप ब्राउन होने जा रही है। तो ये जलने से पहले अब हम इसे उतार लेते हैं, नहीं तो ये जलने लग जाएंगी। तो चलिए, एक प्लेट में हम मूँगफली सारे निकाल लेते हैं एंड जो बचा हुआ तेल है उसमें हम और एक चीज़ भी ऐड करने वाले हैं। ज़्यादातर ये कोई ऐड करता नहीं है, लेकिन मुझे ऐड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसमें चना दाल ऐड करने वाली हूँ। यस फ्रेंड, ये भी बहुत क्रंची होता है फ्राइड होने के बाद। तो मूँगफली एंड चना दाल जब मैं मिक्स करके अपने फरियाल में डालूंगी तो मेरे फरियाल क्रंची भी नटी फीलिंग भी मुझे देगी हर एक बाइट की फरियाल में। तो ये भी अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है। तो चलिए, अब हम इसे भी उतार लेते हैं एंड हमारा ऑयल जो बचा हुआ है उसमें हम और एक चीज़ भी फ्राई करेंगे। मतलब कि कोई ये बिल्कुल नहीं करता, मैंने जितने जनों को देखा है आलू फ्राई करना। यस फ्रेंड्स, फरियाल में कोई आलू फ्राई नहीं करता है, वो बस उबाल के फिर फरियाल में डाल देता है। लेकिन मैं आलू को फ्राई करके डालने में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है फरियाल बनाना। तो इसको लेके कोई कमेंट मत कीजिए, सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो चलिए, मैंने अपना आलू भी अच्छे से भून लिया है, ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे हल्के हाथों से उतार लेते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ऑयल ज़्यादा है हमारे फरियाल बनाने के लिए, मैंने एक ही जन के लिए बनाया है तो थोड़ा सा ही लिया था फरियाल। तो उस तेल को मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी, ताकि हमारा जो फरियाल है वो ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। यहाँ मैंने तेल कम कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए, अब डाल लेते हैं तेल में सबसे पहले जीरा। जीरा जब थोड़ा सा भुनने लग जाए, मैं एक
की जीरा डाल रही हूँ। नेक्स्ट उसके बाद हम कटे हुए ग्रीन चिलीज डाल देंगे। इसको हल्का लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। उसके बाद ये जब अच्छे से पक जाए ऐसे मिक्स करते रहिए, नहीं तो जलने का चांसेस हो सकता है। तो मैं इसे जब ये ग्रीन चिलीज लाइट ब्राउन हो जाए इसमें मैं मिक्स कर लूँगी टोमेटोज। मुझे टोमेटोज को गलाना नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही मिक्स करना है एंड उसे थोड़ा सा नरम करना है बस। और मैं इसमें नमक भी ऐड कर लूँगी एंड इसे मिक्स कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला है क्योंकि मैंने आलू में भी उबालते वक्त नमक डाला था, तो मैं श्योर नहीं थी कि कम नमक है कि ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। अब मैं आलू, मूंगफली एंड चना डाल के जो फ्राइड वाले हैं, जो फ्राई किया हुआ है, वो मैं सारे इसमें डाल दूंगी एंड अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि एक दूसरे में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड मैं इसमें हल्दी भी ऐड करना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो एस्केप भी कर सकते हैं, बट हल्दी डालने के बाद इसका जो कलर आता है वो बहुत खिल के आता है एंड अच्छा भी लगता है दिखने में। और जो खाना दिखने में अच्छा होता है वो खाने में भी ज़रूर अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं फरियाल भी ऐड कर ली हूँ एंड ये जितना भी हो आप चिपकने का चांसेस तो होता ही है, तो फरियाल डालने के बाद तुरंत इसे हिलाते रहिए, नहीं तो ये चिपकने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज मैं फरियाल को थोड़ा चटपटा बना रही हूँ। तो चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चाट मसाला का। आप चाट मसाला नहीं यूज़ करके नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे थोड़ा ज़्यादा चटपटा बनाना चाहती थी एंड थोड़ा सेटल्ड और खाने में भी अच्छा हो, बिगाड़ना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया एंड मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि चाट मसाला हर एक चीज़ में अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद मैं थोड़ा टेस्ट कर लूँगी। जब मैंने टेस्ट किया तब मुझे लगा कि थोड़ा नमक कम है, तो मैंने थोड़ा और नमक ऐड कर लिया एंड फाइनली मैंने इसको लास्ट बार के लिए मिक्स कर लिया एंड हमारा जो फरियाल है वो टोटली डिलीशियस फुल्ली पका हुआ रेडी हो चुका है। मैंने लास्ट बार के लिए इसे मिक्स कर लिया है एंड अब हम इसे उतार लेते हैं प्लेट में। तो मैंने यहाँ पे फरियाल ले लिया है जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब मैं किचन का लाइट ऑफ कर लेती हूँ एंड अब चलते हैं फरियाल को खाने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो फरियाल कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आप लोग को लग रहा है ना कि फिर से मैं अंधेरे में आके बैठ गई हूँ? हाँ, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है एंड बाबू सो रहा है तो मुझे अंधेरा करके रखना ही पड़ता है जैसे कि आप सबको पता है। एंड जिसको नहीं पता है तो जानने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं और ईजिली आपको पता चल जाएगा कि मैं हर दोपहर को घर को अंधेरा करके क्यों रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पे फरियाल को इन्जॉय कर लेते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा गर्म था एंड जैसे कि आपने मैंने क्लिक में देख ही लिया है कि मुझे टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा आपके घर में आपने बना के कैसे एंजॉय किया और सबको कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड आपको कौन कौन सी रेसिपी और देखना है मेरे चैनल पे वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप सबके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। एंड फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियोस कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आपको अगर मेरे वीडियोस में कोई डिफेक्ट भी लग रहा है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा ही वीडियो बनाऊँगी आप सबके साथ, शेयर भी करती रहूँगी डेली। आई होप कि आप सबको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोज़ अच्छा लग रहे हैं, तो जल्दी से मेरे रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ग्रे कर दीजिए एंड पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख पाओ। आ चुकी हूँ फिर से किचन में जैसे कि आप देख पा रहे हो एंड मैं आज लंच करने के बाद सो गई थी। ओके, उठने के बाद थोड़ा सा घर का काम करके मैंने सोचा चलो डिनर की तैयारी कर लेते हैं एंड मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही लिया है बोलने से। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरा जो चावल है वो उबल रहा है। यस, मैं आज राइस बना रही हूँ एंड रोटी भी मैंने बना लिया है। एंड आप साइड में देख पा रहे हो कि मैंने कढ़ाई में सब्जी भी चढ़ा ली है। आज मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही ग्रेवी लग रहा है, तो जब तक ग्रेवी तैयार हो जाती है तब तक वेट कर लेते हैं, घुमाते रहते हैं ताकि हमारा जो ग्रेवी है वो थोड़ा थिक हो जाए। मेरा रोटियां भी बन चुका है तो मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है नहीं, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो डिनर में मिलते हैं आपसे। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो हम सब बैठ गए हैं डिनर के लिए एंड यहाँ पे मैंने आलू
मटर की सब्जी निकाल लिया है, रोटी मैं उनको दे रही हूँ, मेरे लिए निकाल रही हूँ एंड बाबू को भी दे रही हूँ। बाबू के लिए मैंने एक पोच बनाया है, उसको एक पोच के साथ रोटी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये सुबह का दाल थोड़ा बचा हुआ था, मैंने उसको भी निकाल लिया है गरम करके, ताकि ये भी हम लोग खा सकें, नहीं तो वेस्ट हो सकता है। हम हाउसवाइफ कुछ भी चीज़ को वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि सबको पता है। एंड कौन कौन वेस्ट नहीं करना पसंद करता है मेरे जैसे, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ यार, जो वेस्ट करते हो ये स्टॉप कर दो वेस्ट करना, अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्य नहीं हो तो हमारा जीने का कोई मतलब है ही नहीं। जितना भी कमा लो, हम पेट भर के दो निवाला नहीं खा पाए तो कमाने का क्या फ़ायदा है कि नहीं फ्रेंड्स? आप लोग भी मेरे ये बात से रिलेट कर पाते हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके ही जाइए फ्रेंड्स, नहीं तो कल का वीडियो और ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, वो आप देख नहीं पाओगे। तो चलिए, आज्ञा दीजिए मुझे जाने के लिए एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।